रुपया बाद की जगह एक खूबसूरत जगह पर है जिसका नाम मूलदजी है। मुझे लगता है ये एक्चुअली जो जगह है इसको नेगलेक्ट किया गया है जिस नाम पे, तो मैं चाहती हूँ, मैं अपील करती हूँ इसको इन्वॉल्व किया जाए। आप खुद देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह ये जन्नत, मुझे लगता है सीधा हम जन्नत में ही पहुँच गए। ये बहुत खूबसूरत जगह, इसलिए मैं चाहती हूँ सारे लोग यहाँ आए और ये चीज़ उस मैप में इन्वॉल्व हो जाए। आज हमने एक ऐसी जगह का दौरा किया जो सेहती नक्शे से बिल्कुल नजरअंदाज किया गया इस जगह को, एक लेकिन अगर देखें हम तो रफियाबाद में जो है पिकनिक हॉटस्पॉट बना हुआ है। और आज इस जमन में हमने यहां पे दौरा किया, रोड काफी खस्ता है, काफी सारी मुश्किलों के बावजूद जो है यहां पे पहुंचते हैं। अगर हम देखें तो बारामूला से करीबन 45-50 किलोमीटर दूर है। तो इसी जमन में आज कुछ लोग भी यहाँ पे हमें मिले, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या बताऊँ मेरे भाई, आप देख चुके होंगे कि हमारा जो पहले एक्सकर्शन हुआ करता था वो गुलमर्ग पहलगाम चश्माशाही, मगर मैं हैरान हुआ जब पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, मेरी एज लगभग 65 है, मैं परेशान हो गया कि ये क्या है, ये जो मास्टर हलत बनाया है हमारे क्लब में, मास्टर सराज दीन नाम सुना होगा आप लोगों ने, वो भी हैं हमारे क्लब में। नसीमुल गनी साहब वो श्रीनगर से यहाँ हमारे साथ सवेरे 7 बजे फुटबॉल खेलने आते हैं। जब यहाँ हम आए, ये अपनी मैनेजिंग बॉडी के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया। इससे पहले हम यहाँ बारामूला की तरफ भी गए, लेकिन ऐसी सीनरी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने मतलब बाहर भी बहुत घूमा हूँ, मतलब बेंगलोर घुमा हूँ, जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ घुमा हूँ, मैं साइकिलिस्ट भी हूँ, मैं साइकिल पे गया हूँ, पूरा हिंदुस्तान घुमा हूँ साइकिल पे, मगर ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। एक खास चीज़ पे मुझे नज़र पड़ी कि सबको एक ही टाइप की एक यूनिफॉर्म है। पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई क्लब से आए या क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे गैंग या ट्रैकिंग वगैरह की क्या आप यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए? बेसिकली ये एक हेल्प क्लब है, मास्टर्स हेल्प क्लब बारह, और हमारा जो है कि हम इसके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो बारामूला के आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स हैं, खा वो क्रिकेट से वाबस्ता हों या फुटबॉल से। ये उन्हें वेटरन जो रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, उन्होंने एक अलग क्लब बनाया है। और हमारा जो होता है सुबह हम मॉर्निंग में फुटबॉल खेला करते हैं बारामूला, और इसमें लगभग अब तक हमारे साथ 40-50 के करीब लोग हैं। और इसके अलावा हम इस हेल्थ क्लब में जो हमारी जो एक्टिविटीज हैं उसमें आउटिंग भी है। तो इसी सिलसिले में आज का जो आपका प्रोग्राम था आउटिंग का, तो आप रफियाबाद आए, एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है किसी न किसी हद तक, क्योंकि पिकनिक हॉटस्पॉट तो बना है लेकिन सयाती नक्शे पे नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम जो गर्गलिंग स्ट्रीम्स है, पूरे सरसब्ज मैदान है, रंगे अक्जरी से सजे पहाड़ है, तो आपको कैसा फील हुआ और सरकार से क्या मुताबिक, क्योंकि अगर देखें आपको यहाँ पे शायद ऐसी व्यवस्था नहीं है जो एक टूरिज्म स्पॉट पे होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो टूरिज्म स्पॉट जैसा होना चाहे उसके लिए यहाँ अभी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत है। लेकिन जहाँ तक इसकी खूबसूरती का और नेचुरल ब्यूटी का ताल्लुक है, ये तो माशाल्लाह, हमने आज पहली दफ़ा यहाँ आए, हम बहुत खुश हुए और देखा कि यहाँ इस तनावपूर्ण माहौल में, जहाँ आपको पता है कि कोविड ने किस दर्जा यहाँ एक तबाही मचा हुआ है, लोग घरों में सहम कर रहे हैं और बच्चे बूढ़े औरतें मर्द सब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ थोड़ा तफरीही सामान मुहैया हो जाए, और हमने आज यहाँ आकर खुद को बड़ा रिलैक्सर महसूस किया और यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारी सरकार से जितनी भी एजेंसीज है टूरिज्म के हवाले से, हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस स्पॉट की तरफ तवज्जो दी जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाए। इनका यही मानना है कि जो यहाँ पे अगर देखे आप, कुदरत का शाहकार है, कुदरत की मुसावरी की पे ये दलालत करती है, ये जगह इतनी खूबसूरत जगह है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है अगर देखते हैं हम, जिससे जिला हेडक्वार्टर से बहुत दूर है, तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है ये जगह रफियाबाद में जो मूलदजी है, तो आते समय जो है सयाहों ने यही बताया कि उनको आते समय जो है दिक्कत आ रही थी क्योंकि रोड खराब है और यहाँ पे जो है माकूल इंतजाम नहीं है जो एक टूरिस्ट प्लेस पे होने चाहिए, जिनमें जो अगर हम देखे एक स्टॉल्स और जो रेस्टोरेंट वगैरह है और जो टूरिस्ट हॉट है। लॉकडाउन खुलते ही जहां लोग सयाहती मुकाम का रुख करते हैं, वहीं हमने भी इस जमन में आज रफियाबाद के मशहूर मारूफ सयाहती मुकाम मूलदजी और ककरवन का दौरा किया। मूलदजी और ककरवन के दिलकश मुजाहरे फितरत दस्त कुदरत की अजीम मुसावरी पर दलालत करते हुए नजर आते हैं। नदियों से बहते साफ और शिफाफ पानी, सरसब्ज मैदानों और रंगे अक्सरी से सजे पहाड़ों की वजह से मूलदजी और ककरवन सयाहों का मरकज बन गई है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ, तो बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन यहाँ ये है कि गवर्नमेंट ने इसको थोड़ा सा डेवलप नहीं किया है। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ डस्टबिन की है, यहाँ पे जो भी कुछ खाते हैं वो रोड साइड पे ही रख देते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको ना थोड़ा सा एक टॉयलेट स्पॉट जैसे रखते हैं, डस्टबिन का अरेंजमेंट रखते हैं कि थोड़ा सा पार्किंग एरिया का हो जाएगा तो यहाँ पे बहुत फार बेटर हो जाएगी, क्योंकि ये ऐसी एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी तरह है, सीनरी भी बहुत अच्छी है इस यहाँ साइड से, और ये है कि जो ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। यहाँ पे आए सयाहों का कहना है कि अगर इस जगह का मुआवजना कश्मीर के मशहूर सियाहती मुकाम गुलमर्ग से किया जाए तो शायद ये गलत नहीं होगा। होटल्स दस्तियाब न होने की वजह से अक्सर सयाह या तो घर से खाना बनाकर लाते हैं या यहीं पे आके खाना बना देते हैं और उसके बाद इस हसी जगह दस्तरखान बिछाकर अपने प्यारों के साथ खाने का लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉल लगाकर मशरूबात और नमकीन बेचने वाले ताजर से जब हमने बात की तो उन्होंने कुछ यूं कहा। कम से कम दिन में 100 पुलिस गाड़ियां आती हैं, बहुत लोग आते हैं, बहुत यहाँ से ऊपर भी बहुत अच्छी जगह है, मगर गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही। आप हमारे पहले जो फर्स्ट चीज है वो डंगी बच्चा टू पाजलपुरा रोड के हालात देख रहे हो तो ऊपर क्या हालात होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी कोई डस्टबिन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई और कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। अगर खुदा ना खास्ता बारिश आ जाती है यहाँ पे 500-600 इंसान होते हैं, किसी जगह कोई शेल्टर नहीं है जिसमें वो अपने आप को छुपाएं। हम चाहते हैं जो हम ऊपर वाले लोग हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे तवज्जो दे ताकि हमारा भी रोजगार चले, क्योंकि बहुत बेरोजगारी है। जो ऊपर हाई रेंज का एरिया है यहाँ पे तो रोज 4 बजे के बाद बारिश होती होती है, यहाँ पे तो मतलब कोई ऐसा शेल्टर सिस्टम नहीं है हमारे लिए या कुछ। हम तो यहाँ से लोकल से अपनी गाड़ी में सामान लेके आते हैं, यहाँ लोगों को देते हैं, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं रखते। जो बाजार मार्केट में जो चीज आपको श्रीनगर में जिस रेट की मिलेगी वही मिलती है। सरसब्ज पहाड़ों से गिरा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर इस इलाके को कहते हैं मुर्द जी, जो कई बरसों से सियासत ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी है क्योंकि ये एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मुझे लगता है गुलमर्ग, पहलगाम और उसके बाद जो भी ये टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनमें से ये मुंडजी जो है इसको नेगलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर आप देखते हैं, आप इसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इस इलाके के लोग यहाँ पर सैर तफरी के लिए आए हैं और ये इलाका जो है ये मैप में टूरिस्ट खासकर टूरिज्म मैप में नहीं लाया गया है। और इस अक्रूपा का इस सोपोर पर 5 नफर जाए कितर दर्ज एडजॉइनिंग एरिया मुंडज इमाम योर वह लूकन हूँ रश, मगर गवर्नमेंट से निगलेक्ट कर्मुत ये एरिया कत आज 5 नफर योर अस एक्सप्लोर ये एरिया जंगल कर एक्सप्लोर योर गवर्नमेंट ये कर डस्टबिन थोड़ा फोकस थोन ये जाए पे।